ओए निकम्मे, सोकर उठ गया हो तो चल मेरे साथ। कहाँ? सिनेमा देखने। और सुबह सुबह सारी दुनिया काम धंधे पर जाती है कि नहीं? हाँ हाँ जाती है। फिर तू क्यों गधे की तरह पूछ रहा है कहाँ? मुझे नहीं जाना है। क्यों? अपा मुझसे नहीं होती मजूरी। देख सत्तू, अगर तू ये समझता है कि जिंदगी भर में तुझे यूं ही बिठा कर खिलाता रहूंगा तो साफ साफ सुन ले, मेरे बस की नहीं है ये। और मेरे बस की मजूरी नहीं है। ये लो नखरा तो देखो ससुर का, मजूरी नहीं करेगा। अरे तू जैसा अनपढ़ गवार मजूरी नहीं करेगा तो क्या डिप्टी कलेक्टर ही करेगा? इतना ही ऊंचा नखरा था तो पढ़ लिखा ही नहीं गया। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर इतना ही शौक था मुझे पढ़ाने लिखाने का तो स्कूल क्यों नहीं भेजा? तुझे स्कूल भेजता तो घर का काम कौन करता? और फिर तो जैसे अपाहिज ने पढ़कर करना भी क्या था? नहीं करना था ना कुछ, तो फिर उम्मीद भी क्यों करते हो? मरने दो मुझे यहाँ। तो ठीक है मर, पढ़ाए यूं ही पत्थर बनकर यहाँ पर। और तोड़ मुफ्त की। ये ले बस एक रोटी, करम जले काम का ना काज का डेढ़ मन अनाज का। अरे अम्मा, तू रोटियां खिला रही है या गालियां खिला रही है? बकवास करने की जरूरत नहीं है, शर्म तो नहीं आती? पूरे बाप की हड्डिया तोड़वाता है घर बैठे रोटियां तोड़ने के लिए। अरे तो मैंने किसी को कहा है जाकर अपनी कमर तोड़वाओ? कहने की जरूरत नहीं है, तेरी तरह कोई अकल कंधा तो है नहीं, उसे दिखाई देता है घर में तीन पेटे भरने के लिए। काम पर नहीं जाए तो क्या भीख मांगे? अरे जब तुम लोगों ने मुझे किसी लायक बनाया नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई नहीं, सारा कसूर हमारा है, इसीलिए भुगत रहे हैं सजा कामचोर। अरे अम्मा, तेरा दिल है या पत्थर? तू देख रही है मेरी लाचारी, और फिर हर रोज मुझे खरी खोटी सुनाने को बैठ जाती है। हाँ हाँ सुनाऊंगी, जब तक तू किसी काम धंधे से नहीं लगता। ओए तू पागल है क्या? अब इस हाल में मैं क्या काम करूंगा? तू झोपड़ी से बाहर निकल के तो देख, दुनिया में लोग रोटी कमाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है वो क्या क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है तेरी मर्जी, ये रोटी पड़ी है खा लेना, मैं काम पे जा रही हूँ। और हाँ, जब तक तेरे बप्पा और मैं खिला सकते हैं खिलाएंगे, उसके बाद तू जाने तेरा काम। क्या कर रहे हो? तुझे क्या मतलब? ये थैलियां क्यों उठा रहे हो? मैं सो के रंग बिरंगी थैले इकट्ठे करने को। अरे भाई किसन, क्यों परेशान कर रहा है इस बेचारे को तू? ऐसा है भैया, ये हम इकट्ठे करके किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कबाड़ी वाले? तो क्या वो बदले में तुम्हें पैसे देते हैं? हाँ हाँ, यही कोई 50-60 रुपए की आमदनी खड़ी हो जाती है हमारी। 50-60? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो देख वो सामने थैला नजर आ रहा है तेरे को। हाँ जा जा उठा ले उसे जाके। हाँ मैं अभी उठाता हूँ। हमसे पहले पांच के उठाने होंगे तुझे थैले। हम भी एक बोटी में झपटने वाले तीन कुत्ते हैं। देखो भैया ऐसा मत करो, देखो मेरी एक ये टांग नहीं है। ओए टांग क्या, तुमने कभी सही टांग वाले कुत्ते को किसी लंगड़ी टांग वाले कुत्ते पे तरस खाते देखा? वो तो उसे काट काट कर इलाके के बाहर तक खदेड़ के आते हैं। और हाँ वो तो शुक्र मना, हम तुम्हें अपने इलाके से बाहर नहीं खदेड़ रहे हैं। हमसे पहले रत्ती उठा सकते तो उठा, वरना कोई और गली ढूंढ ले। समझ गया भैया, पर एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी गली भी है जहाँ सिर्फ लंगड़े कुत्ते को ही कूड़ा बीनने की इजाजत हो? अरे वाह तू तो बड़े मजे की बात कर गया, लगता खिसक गया है ससुर थोड़ा। हाँ भाई जैसी तू पूछ रहा है वैसी एक जगह तो है। अबे ऐसी कौन सी गली है, क्यों पागल बना रहा है तू इस बच्चे को? अरे वो है ना। हाँ भाई आप ऐसा करो, पास की नदी के पुल पर चले जाओ और वहाँ से छलांग लगा दो नदी की सतह में वो जो गली जिसे तुम पूछ रहे हो। तुम लोग ठीक कहते हो शायद, मुझे अभी अभी ख्याल आया कि मुझे वो गली वही मिलेगी। चल यार
क्या सारी दिहाड़ी इस लंगड़े पे खराब करेगा तू? नहीं नहीं चल चलते हैं। आ अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, कुछ अपने से भी मैं कटा जा रहा हूँ। अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, फंसा हूँ ये कैसा के जीवन मरण में, ये लगता है जैसे बटा जा रहा हूँ। अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, जिसे लोग कहते हैं खुशियों की मंजिल, दूर बहुत मैं उनसे हटा जा रहा हूँ। अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, ले तकलीफ तेरी है भगवान बचा दी, खुद ही मैं जहां से उठा जा रहा हूँ। अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, कुछ अपने से भी मैं कटा जा रहा हूँ, कुछ अपने से भी मैं कटा जा रहा हूँ। अलग कर दिया है कुछ दुनिया ने मुझको, कर रहा है? तुझे तैरना आता है? नहीं। तो फिर पागल हो गया है क्या? तुझे मालूम है ये नदी कितनी गहरी है? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मरने जा रहा है? हाँ नीला, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। देख सकतू, पागल मत बन, इधर आ। मेरा हाथ छोड़ दे नीला, मेरे लिए अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। कौन कहता है कि नहीं बचा है? सत्तू धीरज से मेरी बात सुन। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। कैसी जिंदगी? क्या हुआ है तेरी जिंदगी को? मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं अपने माँ बाप पर बोझ हूँ। हाँ तो क्यों है बोझ? क्योंकि मैं अपनी रोटी भी नहीं कमा सकता। कौन कहता है कि तू नहीं कमा सकता? बेकार की बहस मत कर, मेरी जिंदगी बहुत बहुत खराब है। सत्तू अपनी जिंदगी को खराब करने वाला तू है, तेरी सारी मुसीबतों की जड़ है तेरा अनपढ़ होना। क्या मतलब? मतलब ये कि शायद तू भूल गया आज से 10 साल पहले तुझे ये चोट कैसे लगी थी। हाँ मुझे आज भी याद है वो मनहूस दिन। अपाहिज हो गया। लेकिन अगर तुम वो साइन बोर्ड पढ़ सकते तो आज तुम अपाहिज नहीं होते। हाँ, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। फिर वही किस्मत को दोष? तो फिर किसे दोष दूं? अपने अनपढ़ होने को। ठीक है, मैं अपने अनपढ़ होने को दोष देता हूँ, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है?
जो होना था वो तो हो ही गया। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो आगे होने वाला है तुम उसे तो सुधार सकते हो। वो कैसे? अब पढ़ लिख लो। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इतना बड़ा बैल, अब स्कूल में जाकर बच्चों के साथ काज से कबूतर पढ़ूंगा? नहीं नहीं, मैं तुझे स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ने के लिए नहीं कह रही। अब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुल गए हैं, जहाँ पर वो लोग जा सकते हैं जो अपने बचपन में स्कूल गए ही नहीं और पढ़ाई कर सके। तो छोड़िए प्रौढ़ शिक्षा की बातें, वहाँ जाने से अब क्या फर्क पड़ता है? क्यों, क्या तुझे अपने और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखाई देता? देख सत्तू, हम दोनों एक ही जैसे माहौल में रहते हैं, लेकिन तू जिंदगी से हार कर यहाँ पहुँच गया और मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को अपनाया, जहाँ पर मैंने जिंदगी को जीने का एक नया तरीका सीखा। तो तू भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाती है? हाँ, मैं भी जाती हूँ और मेरे साथ और भी बड़ी बड़ी औरतें जाती हैं। हम लोग वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं और सिलाई भी करते हैं। देख, ये सूट मैंने खुद सिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लीला, तू मुझे भी मान ले चल, शायद मेरा जीवन भी सुधर जाए। शायद नहीं, अगर तुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है तो तेरा जीवन जरूर सुधर जाएगा और तू कुछ काम करने लायक भी बन जाएगा। चल, मैं तुझे वही लिए चलती हूँ। हाँ चल। विद्या देवी बन के सूरज आशा की किरणें बिखराए, विद्या देवी बन के सूरज आशा की किरणें बिखराए, दुख गरीबी दूर करे और जीवन कितना सुखद बनाए, विद्या देवी बन के सूरज आशा की किरणें बिखराए। सेहत और सफाई की बातें नहीं जानते थे हम, अनपढ़ थे बस इसीलिए बेकार की बातें मानते थे हम, निरक्षर होने से हमने कितने सारे धोखे खाए, विद्या देवी बन के सूरज आशा की किरणें बिखराए। शिक्षा बांटने से घटती नहीं। शाबाश, मुझे अत्यंत खुशी है कि तुमने शिक्षा का मूल समझा, और हाँ, जो मैंने सबको सबक दिया है वो कल याद करके आना और लिख के लाना। जय साक्षरता। जय साक्षरता। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। सत्तू बेटा, तुम घर नहीं जाओगे? मास्टर जी, मुझे कौन सा दुकान पर बैठना है, मैं तो आज का सबक पूरा करके ही जाऊंगा। जीते रहो बेटा, शाबाश। सत्तू, मैं भी तो देखो कि तुम क्या जोड़ रहे हो। अरे लीला, तुम कब आई? बस अभी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? ना तो तुम केंद्र पर मिलने आती हो और ना ही घर पर, इतने दिन हो गए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी नाराजगी अभी दूर कर देती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये शहर से लाई हूँ। अरे बैसाखी, ये तो बहुत अच्छी है, तुम ये लेने शहर गई थी? हाँ, ओ सत्तू, मेरी नौकरी लग गई है शहर के बुटीक में। किसमें? कपड़े की दुकान। अच्छा। वो सिलाई के लिए मुझे अच्छे पैसे भी दे रहे हैं और इसी वजह से मैं केंद्र भी नहीं आ पाई। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी नौकरी लग गई। अच्छा सत्तू, अब मैं चलती हूँ, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। लीला, बैसाखी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम घर चलो ना, माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। नहीं अभी नहीं, पर एक दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। अच्छा सत्तू, अब मैं चलूं। अरे भाई, ये तेरा 12वां बंडल हुआ। सेठ जी, मुझे गिनती नहीं आती, आप अपना हिसाब अपने आप ही करो। चल और मारना।
राम राम लाला। लो, एक से सुखा हुई नहीं और मांगने वाला आ गया। मैं मांगने वाला नहीं हूँ लाला। शक्ल से तू देने वाला भी लग रहा। मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए। हुआ ना मांगने वाला। लाला मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत काम कर दूंगा, बदले में कुछ तनख्वाह मुझे दे देना। बड़ा काम करने वाला है? क्या काम करेगा भाई तू? देख रही चलता सुबह। लेकिन लाला ये तो टूट गया है। इसके शीशे साफ लगे नहीं? इसके शीशे तो चकनाचूर हो गए हैं। क्या बकवास कर रहा है? इतना सा गिरने से चकनाचूर कैसे हो जाएंगे? अरे लाला उसका पैर पड़ गया था इस पर। मट्टी में मिल गया बदमाश। बिना चश्मे के मैं चमकाते से ही बदतर हूँ। अब सारे मार का हिसाब मैं कैसे लगाऊंगा बता? घबराओ मत लाला, तुम्हारा हिसाब किताब मैं देख लूंगा। तू अंगूठा छाप क्या देखेगा? लाला अब मैं पढ़ लिख गया हूँ। कहाँ से? स्कूल तो तू कभी गया ही नहीं। हाँ स्कूल तो मैं नहीं गया, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में मैंने पढ़ना लिखना हिसाब किताब सीख लिया है। अच्छा तो फिर जरा हिसाब से लगवा दे सारा माल। ठीक है, पर ये कॉपी तो दो। हाँ हाँ ये लो। हाँ भाई और बंडल लेके आ, और सुन आंखें खोल कर काम करना। अच्छा भैया। सपनू तू नौकरी मांग रहा था ना? हाँ लाला। तो फिर आज से तेरी नौकरी पक्की। सच? हाँ। बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी उसकी जिसने सही वक्त पर तुझे यहाँ भेजा है। तो काम कर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है लाला। अच्छा सत्तू अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना कुछ देर, क्या जल्दी है? हाँ घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी। लीला बेटे। जी माँ जी। खाना बिल्कुल तैयार है, खा के जाना। नहीं माँ जी बहुत देर हो चुकी है, फिर कभी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। बड़ी नेकदिल लड़की है सचमुच लीला। अगर उस दिन तुम मुझे केंद्र का रास्ता नहीं दिखाती तो मुझे कभी सही रास्ता नहीं मिलता, अपने जीवन को सुधारने का मौका नहीं मिलता। मैं अज्ञानता के अंधेरे में भटकते हुए न जाने कहां गुम हो जाता। तुम ही ने मेरी अंधेरी जिंदगी में प्रकाश डाला है। सत्तू। जी मास्टर। क्या बात है बेटे, तू इतना चुप क्यों है? जी कुछ नहीं ऐसे ही। तू कह रहा था ना कि तू कोई काम धंधा शुरू करना चाहता है जिससे तेरी आमदनी हो और तू आगे पढ़ लिख भी सके। जी मास्टर जी। तो ये देख, सरकार ने तुम्हारे जैसे विकलांग लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं उनको काम धंधा शुरू करवाने के लिए सरकार ने योजना निकाली है। तो कहे तो अर्जी भर दूं? नहीं नहीं मास्टर जी, अब तो ये अर्जी मैं खुद ही भरूंगा, लाइए मुझे दीजिए। ये हुई ना बात। अब आपके आशीर्वाद से इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। शाबाश, जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। क्या कहा डॉक्टर ने? मत पूछ, बस मेरी विदाई की तैयारी कर ले। क्या कह रहे हो? शुभ शुभ बोलो। शुभ हो तो शुभ बोलो ना। अरे तो ऐसा क्या बता दिया डॉक्टर ने? डॉक्टर के पास मैं गया ही कहा। क्यों? क्यों क्या, पैसा फालतू है मेरे पास। तो फिर किसको दिखा के आ रहे हो? वो अपनी बस्ती का कंपाउंडर है ना, सारी बस्ती वाले वही तो दिखाते। तो क्या कहा कंपाउंडर ने? तो उसने कहा कि मुझे टीबी है। क्या? और मैं कुछ ही दिन में सूख कर कांटा हो जाऊंगा, इसका कोई इलाज भी नहीं है। हाय राम, ये क्या हो गया? अम्मा ये देख, जब से मुझे नई बैसाखी मिली है मेरी चाल कुछ तेज हो गई है। अरे बेटा तेरी बैसाखी तो छिन रही है। क्या ये क्या कह रही है तू? क्या बोलूं बेटा, तेरे पापा को भगवान ने ऊपर बुलाने का फैसला कर लिया है। क्या कैसे? इन्हें टीबी हो गई है। अच्छा कैसे पता चला? ये कंपाउंडर को दिखाने गए थे।
अरे उस नीम हकीम को कुछ आता भी है? अरे रहने दे, पता है तू चार अक्षर पड़ गया है, वो कंपाउंडर पूरी बस्ती का 20 बरस से इलाज कर रहा। हाँ, तभी तो बस्ती वालों की सेहत का ये हाल है। ऐसा क्या बुरा हाल है बस्ती वालों की सेहत का? बस्ती में जो भी समय से पहले उबर पहुंच जाता है, ये महाराज समझ जाते हैं किससे इलाज करवा रहा था। रहने दे, मखोल ना उड़ा उसका, बहुत तजुर्बेकार है वो। हाँ हाँ, तजुर्बे तो करता रहता है बस्ती वालों पर। बेटा, पापा से उनके आखिरी वक्त में जुबान ना लड़ा। अम्मा देख, ये किताब मुझे केंद्र से मिली है। अभी तो क्या किताब निकाल के बैठ गया। अम्मा ये किताब तपेदिक यानी टीबी के ऊपर है। टीबी की किताब, जरा दिखा तो। अरे तू कौन सा पढ़ी लिखी है जो इसमें लिखा पढ़ लेगी? मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो पढ़ लिख गया है, जरा बताना इसमें क्या लिखा है। अम्मा मैंने ये किताब पढ़ी है, इसमें लिखा है कि तपेदिक यानी टीबी का इलाज हो सकता है, हाँ अगर उसकी सही समय पर जांच कराई जाए तो। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हो बापू, बिल्कुल हो सकते हो। अच्छा, लेकिन हाँ डॉक्टर ये बीड़ी छोड़ने को कहेगा। इसमें क्या है, ले छोड़ दे। हे भगवान, इन्हें पहले क्यों नहीं टीबी दे दी? ले सुन ले अपनी अनपढ़ जाहिल अम्मा की बात। मैं अनपढ़ जाहिल हूँ तो तुम क्या हो हे? अगर मेरा बेटा पढ़ा लिखा ना होता, टीबी की सच्चाई ना बताता, तो तुम तो ऊपर जाने की तैयारियां कर बैठे थे। अम्मा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब फिर से झगड़ा मत शुरू करना। अच्छा अप्पा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इनके 2 जोड़ी कपड़े रख दो, हो सकता है अस्पताल में 2 दिन रुकना पड़े। अच्छा आ बेटा सत्तू, मेरे पास आ बेटे, यहाँ बैठ बेटा। अब यही है वो नई दुकान, अपने लिए तो अच्छी है। हाँ यार, पहले माल बेचने बहुत दूर जाना पड़ता था। हाँ और कालू कह रहा था पैसा भी ज्यादा देता है यह सेठ उस बदमाश से। अच्छा मगर ये सेठ है कहाँ? दुकान के पीछे रहता है, रोटी खाने गया होगा इस समय। अच्छा चल ऐसा करते हैं, हम भी बोरी यहाँ रख के कुछ खाना खा जाते हैं। ढाबे वाला तुझे उधार देता है क्या? हाँ यार, पहले माल बेचेंगे फिर कुछ पैसा मिलेगा, फिर जाके खाना खा के आएंगे। क्या किस्मत है यार अपनी, रोज कुआ खोदो रोज पानी पियो, और शुक्र मनाओ उस ऊपर वाले का जिसे तेरे हाथ पैर तो सलामत दिए। हाँ यार, वरना अपना भी हाल उस लंगड़े वाला होना था। लंगड़ा? अबे किस लंगड़े की बात कर रहा है तू? अबे यार वही जिसे मैंने नदी की सतह में जो गली है उसका पता बताया था। अच्छा वो लंगड़ा। क्यों भाई, माल बेचने आए हो? हाँ जी सेठ जी, माल ही बेचने आए हैं। लगता है मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। हमें माफ करना सेठ जी, हमने जो तुम्हारे साथ किया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उठो उठो, देखो तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उससे मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया, मुझे तो तुम लोगों का एहसान मंद होना चाहिए। नहीं सेठ जी, हमारे साथ मजाक मत कीजिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमारा माल तो खरीदोगे ना सेठ, अगर नहीं लोगे तो हम रोटी नहीं खा सकेंगे। अरे मैं तुम लोगों का माल जरूर लूंगा, रख दो वहां। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह कूड़े में थैले बीनते बिताना चाहते हो? नहीं सेठ, हमें ऐसा अच्छा काम मिलेगा कहाँ? अच्छा काम ही मिलेगा अगर पढ़ लिख जाओगे। अब तुम खुद ही देख लो, पढ़ने लिखने से पहले तुमने मुझे किस हाल में देखा था और किस पते पर भेजा था, अब देखो मैं कहां पहुंच गया और तुम। अच्छा ये लो पैसे। ये समझ नहीं आता ये क्या धंधा खोला सत्तू ने? ये टेलीफोन का धंधा है। इसे कहते क्या है? इसे पीसीओ कहते हैं। पीसीओ? किसको पीसीओ? ये आटे की चक्की है क्या? ओए रहने दे, तो क्यों मेरी खोपड़ी खा रही है, यहाँ भला आटे का क्या काम? तो क्या पीसते हैं यहाँ? मेरा भेजा, वो यहाँ पर आम जनता के लिए टेलीफोन रखा हुआ है, जो चाहे पैसे देकर टेलीफोन कर सकता है। अच्छा अच्छा, पर पैसे किसको देने पड़ते हैं? लो
सारी रामायण खत्म हो गई और अब तो पूछ रही है सीता किसकी बेटी थी। हाँ तो सारी बात नहीं मालूम ना मुझे। अरे भगवान, अपना सत्तू है ना यहाँ पर बैठेगा और जो कोई टेलीफोन करने आएगा वो इसे पैसे देगा। अच्छा अच्छा, सत्तू को पैसे मिलेंगे। अच्छा, और अगर अपना सत्तू ये पढ़ता लिखता नहीं ना तो इसे भी पता नहीं चलता कि हमारी सरकार ने अपाहिजों के काम धंधे के लिए कितनी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं। हाँ सत्तू, पूजा का वक्त नहीं हुआ अभी क्या? वक्त तो हो गया अम्मा, पर अभी सारे मेहमान आ लेने देना। अरे इतने तो आ लिए और किसकी इंतजार कर रहा है। अप्पा, एक बहुत ही खास मेहमान का इंतजार है मुझे। ठीक है, देख लेते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, नमस्ते बाबू जी। नमस्ते मास्टर जी। जीती रहो बेटी। हाँ मिला, बैठो। ले भाई सत्तू, अब तो तेरा खास मेहमान भी आ गया। अरे अब तो पूजा शुरू करा। हाँ पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। तुमको पूजा शुरू करा देनी चाहिए थी। तुम्हारे बगैर कैसे कराता? वो मुझे इतनी देर हो गई। देर तो मुझे हो गई कुछ कहने में। लगता है कि अभी प्रौढ़ शिक्षा में तुम्हें वो मुहावरा नहीं पढ़ाया। कौन सा? यही, देर आए दुरुस्त आए।